लॉट एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मेन वुमन एंड डॉग में। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एक हिडन बीच को एक्सप्लोर जो है अलीबाग में, और इस बीच का नाम है नंदा बीच। देखिए, ये पड़ता है काशिद बीच और मुरुद बीच के बीच में। मैं बीच बीच में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये दोनों के रास्ते के बीच में पड़ता है। यहाँ पे आपको व्हाइट सैंड मिलेगी और क्या क्या मिलेगा तो हम आपको आगे के वीडियो में बताएंगे। चलिए तो फिर देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज, ये है काशिद बीच का रास्ता जो मुरुद जाता है, और इसी के राइट साइड में कुछ किलोमीटर्स के बाद को मिलता है ये बीच, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप चेकआउट जरूर कीजिए। तो चलिए लेकर चलते हैं हम आपको इस हिडन बीच पर। फ्रेंड्स, जब आप काशिद बीच से मुरुद बीच की तरफ जाएंगे तो बीच में आपको एक हिडन बीच मिलेगा जो है नंदा बीच, जहाँ पे अभी हम खड़े हैं। अगर आपको थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए और आप चाहते हैं कि एक थोड़ा पीसफुल सा बीच हो, तो आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। चलिए इस बीच को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या हमें देखने को मिलता है। जब आप इस बीच में एंटर करेंगे तो एक तरफ राइट साइड है और एक तरफ लेफ्ट साइड, आप दोनों साइड को कवर करें और एक्सप्लोर करें। तो चलिए इन खूबसूरत नज़ारों का मजा लेते हैं ऊपर से। तो चलिए पहले हम आपको लेकर चलते हैं राइट साइड, जो इस बीच का साउथ साइड कहलाता है। गाइज, जैसे कि मेरी वाइफ ने आपको बताया था, यहाँ पे दो साइड्स हैं, एक राइट एक लेफ्ट। हम पहले राइट वाले साइड में आए हैं। तो गाइज, ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा रॉकी पार्ट है, और यहाँ पे आपको माउंटेन्स मिलेंगे। स्टिकी स्टिकी से आपको दिख रहा है, दैट इज ऑयल। आई डोंट नो नेचुरली ये ऑयल कैसे आता है, लेकिन यहाँ के माउंटेन्स रॉक्स पे लगा हुआ है। तो मेक श्योर आप यहाँ पे आते हो तो थोड़ा संभल के आइएगा। आप स्टिकी स्टिकी है, एकदम स्लिप नहीं मारेगा, लेकिन कुछ चीज़ें जो है जो पतली जगह जो पतला ऑयल है वो स्लिप मारता है, तो थोड़ा संभल के आइएगा। ये नेचुरली यहाँ से ऑयल निकल रहा है या कहाँ से आ रहा है पता नहीं, पर जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा ऑयल है, पूरा ऑयल भरा हुआ है। ये फोर लेयर है, नंबर वन वाटर, नंबर टू रॉक्स, नंबर थ्री हार्ड सैंड एंड नंबर फोर वाइट सैंड, जिसे हम कह सकते हैं एक छनी हुई रेत। इन शॉर्ट, अगर आपको सन सैंड और सी का मजा लेना है तो आपको इस बीच में जरूर आना चाहिए। फ्रेंड्स, हम तो अभी यहाँ पे कड़कती हुई धूप में आए हैं क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं और अच्छा से अच्छा वीडियो आपके पास लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आप कोशिश करें यहाँ सनराइज या सनसेट में आए, तो आप इस ब्यूटी इस खूबसूरती का मजा और अच्छे से ले पाएंगे। और अब हम आपको लेके चलते हैं आगे, यानी कि दूसरे साइड लेफ्ट साइड में, वो कैसा दिखता है चलिए हम आपको वो दिखाते हैं। नीचे देख सकते हैं ये किसी तरीके का वेस्ट है, शायद डीजल वेस्ट या ऑयल वेस्ट है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि ये पत्थर या चट्टान है, ऐसा नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ, उसको दबा के दिखाता हूँ। ये इजीली दब जा रहे हैं। किस तरीके का ये वेस्ट है, पर ये यहाँ पे बहुत सारा जमा हुआ है, और जो ऑयल है अभी पता चल रहा है कि वो कोई नेचुरल ऑयल नहीं है, जो भी यहाँ पे बोट्स शिप्स या जो भी ऑयल माइनिंग वगैरह होगा उसी का वेस्ट जो है वो यहाँ पर आता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयल जम जाता है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, थोड़ा पतला, थोड़ा मोटा, थोड़ा स्टिकी, इस टाइप का जो वेस्ट है वो यहाँ पे आके जम जाता है। कितने सारे हैं यहाँ पे, कौन फ्री ऑफ कॉस्ट है, कौन सा लो कौन सा नहीं लो पता नहीं चल रहा है। चलो बाबू, दूसरी भी चीजें कवर करनी है। गाइस, ये बीच बहुत क्लीन है कंपेयर टू अदर बीचेस इन अलीबाग, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जहाँ पे ये शेल्स आपको मिलते हैं एकदम नीट एंड क्लीन होता है वहीं पे आपको मिलते हैं, अदरवाइज जहाँ गंदगी होती है वहाँ पे ये नहीं मिलते हैं। तो मैं तो इसे कलेक्ट करूँगी और घर लेके जाऊँगी, तो अगर आप भी आ रहे हैं और आपको शौक है तो आप इसे कलेक्ट कर सकते हैं। गाइस, जैसे मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे सब नेट वगैरह रखे हुए, क्योंकि ये लोग सब मछुआरे भी हैं, तो यहीं पे फिश वगैरह इनके पास में होती है, जैसे प्रॉन्स वगैरह हो गया, इनफैक्ट वो भी पकड़ते हैं, सूखी मच्छी वगैरह भी आपको इनके पास में मिल जाती है।
तो आप इनसे भी ले सकते हैं। और जैसे कि आप मेरे पीछे बोट देख सकते हैं, तो ये लोग बढ़िया पानी के अंदर जाते हैं जब हाई टाइड होता है। जैसे अभी लो टाइड में हम लोग आए हैं तो आप देख सकते हैं पूरा रॉक्स है, लेकिन जब भी हाई टाइड होता है तो ये लोग बता रहे हैं कि पानी करीब करीब इतना आ गई। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दो लेयर दिख रही है वाइट सैंड और इसके बीच में, ये करीब इतने इधर तक आ जाता है पानी, ये लोग बता रहे हैं। ये देखिए गाइस, यहाँ पे इस तरीके से डेड फिश भी मिल जाएंगी। कौन से मच्छी है दादा? ये मंदिल, मंदिल मैडम। अब इसको आप सुखाओगे? हाँ, इसको सुखाएगा, खाने को ही टेस्ट बहुत टेस्ट सुखाएगा ना। हाँ। बहुत टेस्ट लगता है। सो पूरा ऑल द वे फ्रॉम देयर, वहाँ से चल के अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो ये नॉर्थ साइड है, मैं आपको दिखाता हूँ नॉर्थ साइड दिखता कैसा है। तो चलिए यहाँ का देते हैं हम आपको एरियल व्यू लेफ्ट साइड यानी कि इस बीच के नॉर्थ साइड का। फ्रेंड्स, ये जगह बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ एक से एक फोटो अच्छे आएंगे जो आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पोस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको देखना है तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में जरूर फॉलो करिएगा। रॉक है मगर इनकी साइज़ ज़्यादा है, जैसे मैंने आपको जब उस साइड दिखाया था राइट साइड में तो वहाँ साइजेस कम थी, तो आप थोड़ा बहुत अंदर जा सकते हैं। एक्चुअली हम लोग थोड़े थक गए हैं, लेकिन अगर आप आएंगे तो आप आगे तक भी जा सकते हैं। अगर आपको सिर्फ पैर डालने हैं पानी में तो आप वहाँ पे भी जाके एंजॉय कर सकते हैं। तो आई होप अब ये हिडन बीच आपके लिए रिवील हो चुका होगा और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है, आप उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरीके के नए वीडियो जब हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी है जहाँ मेन वुमेन एंड डॉग से रिलेटेड बहुत से न्यू अपडेट्स डालते रहते, तो आप हमें उस पर भी फॉलो कीजिए। बहुत जल्द हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ, तब तक खुश रहो, खुश रहने दो, प्रेज द लॉर्ड, बाय।